मशरूम फार्मिंग। जी हाँ, मशरूम की खेती कर छोटे रूप से लेकर बड़े रूप तक बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि इसकी बाजार में मांग बहुत अधिक है। लेकिन मशरूम उत्पादन के लिए वातावरण ठंडा होना बहुत जरूरी है। यह केवल सर्दियों में इसका उत्पादन हो सकता है। अगर आपको इसका 12 महीने उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको एयर कंडीशंस की यानी वातानुकूलित वातावरण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन किसान भाई इसको शुरू में बिना वातानुकूलित वातावरण के केवल सर्दियों में शुरू कर सकते हैं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसी उत्पादन यूनिट से जहां पर 6 क्विंटल प्रतिदिन से लेकर 15 क्विंटल प्रतिदिन तक मशरूम का उत्पादन होता है। ये जगह है कृपाल सागर एकेडमी राहों पंजाब में। यहां पर बहुत बड़ी यूनिट है और इसके मैनेजर हैं विशाल गुप्ता जी। आइए मिलते हैं विशाल गुप्ता जी से और जानते हैं मशरूम फार्मिंग विकास के जी, बारे में। आपका स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, अपना संक्षिप्त सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं विकास गुप्ता। मैं यहाँ के पाल सागर में करीब 12 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और मशरूम फार्म में मेरे को काम करते कम से कम 22 साल हो गए, अलग अलग फार्मों में। जब से मैं कृपाल सागर से जुड़ा हूँ 12 साल हो गए। जी, ये बताइए कि इसमें मुख्यतः अगर हम शुरू से लेकर अंतिम तक, मतलब हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है वहाँ से लेकर जब हमारे पास पैकेट में मशरूम आती है, उसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितनी स्टेज होती है? इसको हम 4 या 5 भागों में कह सकते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है तूड़े को हम प्रोसेसिंग रॉ करते हैं। मटेरियल रॉ में। मटेरियल में मेन होता है तूड़ा। तूड़े के साथ बाकी मटेरियल पानी से वेट करके गीला करके हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद ये पहली स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज में ये जाता है पाश्चराइजेशन चैम्बर में, जहाँ ये बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होके यहाँ की अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में। फिर आती है तीजी स्टेज, जब हम इसको बिजाई करते हैं। बिजाई करके हम इसको लिफाफों में भर के ग्रोइंग रूम चेम्बर में ले आके शिफ्ट कर देते हैं। चौथी स्टेज है, इसके 12-13 दिनों बाद ये कंपोस्ट में बीज चल के रेडी हो जाता है। 13वें 14वें दिन बाद जाके हम इसकी केशिंग करते हैं। केशिंग के 9वें 10वें दिन बाद हम इसको ठंडा कर देते हैं। रूम का टेम्परेचर हम ले देते हैं 17-18 डिग्री। फिर क्रॉपिंग का हमारा 5वां स्टेज चालू होता है, जिसमें करीब 25 से लेकर 30 दिनों का सर्कल होता है, जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन ले लेते हैं। एक रूम में अगर हम 100 क्विंटल तूड़ा डालते हैं तो हम कम से कम इसमें 45 से 46 क्विंटल मिनिमम प्रोडक्शन अर्न करते हैं 25 से 30 दिनों के बीच। उसके बाद फिर पैकिंग, उसके बाद बस लास्ट स्टेज है, जो माल कटिंग हो गई, हार्वेस्टिंग होके, पैकिंग होके मार्केट। तो विकास जी, इसका मतलब यह भैया कि हम अमूमन इसको 6 भागों में बांट सकते हाँ, हैं। 6 भागों में। अब चलिए, पहला भाग जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स करते हैं, आप ये बताइए कि वो रॉ मटेरियल क्या-क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट तो है वीट स्ट्रा, तूड़ा, तूड़ा यानी गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा। सेकंड है पोल्ट्री मैन्योर, चिकन मैन्योर जिसको बोलते हैं हम। ये अच्छा, नाइट्रोजन के मुर्गी सोर्स, की खाद, मुर्गी खाद, ये होता है नाइट्रोजन सोर्स बताने के लिए। ठीक है। तीसरा तीसरा हो गया यूरिया फर्मेंटेशन वास्ते। अच्छा, फिर एक हो गया डीएपी और एक जिप्सम। अच्छा बस यही है। अच्छा ये आपका रॉ मटेरियल रॉ रहा, मटेरियल यानी कि गेहूं की भूसी, यूरिया, यूरिया, हाँ, मुर्गी का खाद, डीएपी जिप्सम। और जिप्सम। हाँ। अच्छा, अब दूसरी जो ये स्टेज हुई, इस रॉ मटेरियल को कितने अनुपात में मिक्स करते हैं? इसका परसेंटेज होता है कि हमारा तूड़े के अगेंस्ट पोल्ट्री मैन्यूर होता है 70%। अगर 1 क्विंटल भूसा हुआ हाँ, तो 75 kg यानी 75 किलो हमें, 70 kg, 70 kg, 70 किलो हमें मुर्गी का खाद लेना है। हाँ जी, यूरिया कितना लेना है? एक एक क्विंटल परसेंट 1% का मतलब ये हुआ हमें के एक केजी 1 kg, एक 1 kg केजी एक क्विंटल में यूरिया लेना है। हाँ और जी, डीएपी 2%। 2% यानी 2 kg हमें डीएपी लेना है, डीएपी ये हुआ इसको। अब इसको सबको
किस प्रकार मिक्स करें? पहले तो हम सबसे पहले भूसे को गीला करते हैं अच्छी तरह। अच्छा। उसकी पलटाई देते हैं। अच्छा। सेकंड स्टेज में हम चिकन मैनूर मिक्स करते हैं उसके अंदर। अच्छा। फिर एक दिन होल्ड करके बाकी सारा मटेरियल मिक्स करके हम इसको बंकर में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ इसका टेम्परेचर 80-82 डिग्री तक आ जाता है। जो वो चार खाने बने हुए थे वो बंकर, तो वो ये देखिए कि इसमें बंकर जी किसे कहते हैं, कि इनकी चार जगह हैं, ये चार खाने हैं, कि इसमें नीचे ये होल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ब्लोवर लगे हुए हैं और इसमें ये भूसा मिलाकर रख दिया जाता है। टाइमर और जब ये तैयार हो जाएगा इसके बाद इसे शिफ्ट करेंगे हम दूसरी स्टेज। ये तीसरा दूसरी स्टेज में होगी कि हमारे चैम्बर में जाएगा। ये देखिए ये चैम्बर है, तो चैम्बर में क्या होता है? चैम्बर में ये पास्टराइजेशन होता है नंबर एक। अच्छा। इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस होते हैं वहाँ डेड हो जाते हैं। हाँ। और जो अमोनिया इसकी होती है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे मशरूम को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भरकर दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं? हम 58 डिग्री तक पास्टराइज करते हैं। अच्छा। उसके बाद 48-50 डिग्री पर हम कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग 50 डिग्री तक जाता है। हाँ। तो सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे और जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक सेकंड स्टेज में कितने दिन रखते हैं? ये 7 दिन। 7 दिन। और पहली स्टेज में? उसमें लगभग 13-14 दिन। 13-14, तो 14 और 7 21, यानी कि 3 हफ्ते बाद ये चैम्बर से निकले बिजाई के लिए तैयार होगा। अच्छा। अब तीसरी स्टेज आई बिजाई की, उसमें क्या करते हैं? इसमें बस हम कंपोस्ट को चैम्बर से निकाल के, हाँ, बीज डाल के लिफाफों में भर के हम ग्रो। ये देखिए ये बीज है, इस इसे जो है मटेरियल इसे हम लिफाफे में डालकर और बीज डाल देते हैं, इसमें डाल के हम ग्रोइंग चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। ग्रोइंग, ये ग्रोइंग चैम्बर है जहाँ पर आप देख रहे हैं ये, कि इसमें इस प्रकार रख दिया जाता है। तो कितने दिन बाद ये फिर हो जाता इसका है? फिर हम ले आके इसको पहले तो ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर 26-28 डिग्री ले आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लगभग इसके शिफ्ट करने के बाद क्रॉपिंग आने में कम से कम 30 दिन लग जाते हैं। अच्छा, 30 दिन। हाँ। तो 21 और 30, 51 दिन। 51 दिन बाद आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। देखिए ये बच्चे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इस प्रकार ये है, हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये हुई हमारी चौथी स्टेज। पहली स्टेज रॉ मटेरियल को मिक्स किया, फिर उसे हमने पल्टी लगाया, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज हमारी चैम्बर की हुई और चौथी स्टेज ये हमारी इसकी हुई और ये पांचवी स्टेज हमारी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं इसे ले जाकर? ये क्या इस तरह से मार्केट की डिमांड है, या तो ढुलाई करके या तो पैनेट बॉक्स, आजकल जो आप देख रहे हैं इधर। अच्छा। है, पैनेट बॉक्स में पैकिंग करके मार्केट में जाएगा या अपने एकेडमी के बच्चों के लिए। ये देखिए मेरे हाथ में इसका पैनेट बॉक्स है, तो इस प्रकार ये पैकिंग हो गया मशरूम और अब ये तैयार है मार्केट में जाने के लिए। और यहाँ से ये जालंधर इनका मेन जो मार्केट है वहाँ पर। विशाल जी, अगर हम ये मानकर चलें एक मध्यम किसान अगर मान लीजिए शुरू करता है, तो उसे मतलब लगभग ये मानकर चलिए कि 2 महीने बाद आपका प्रोडक्शन शुरू होगा, 2 महीने बाद। जी जी। तो कितना खर्चे से शुरू कर सकता है कम से कम, या जो उसे सस्टेनेबल हो थोड़ा सा? हमारा तो है 12 महीने का फार्म। हाँ। जिसमें एसी लगे हुए हैं। हाँ। किसान भाई क्या कर सकते हैं कि सर्दियों में इसकी क्रॉप ले सकते हैं, ये सितंबर से स्टार्टिंग होता है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कंपोस्ट बनती है, नवंबर से जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसको हम फरवरी मार्च जब तक टेम्परेचर सफिशियंट है यानी कि 15-16 डिग्री है तब तक हम इसकी क्रॉप ले सकते हैं। तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि बड़े पद्धर पर ना जा करके अपना सीजनल टाइप का कर सकते हैं यहाँ सीजनल में। हाँ, पहली तो ये है कि आप सीजनल कर सकते हैं, सीजनल स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर आगे वो आप चाहें तो एक कमरे में अपना एसी भी लगा सकते हैं। हाँ। सोलर की सहायता से एसी भी लगा सकते हैं ये भी। अच्छा, ये जो बीज है जो दिखाया था, ये जो मशरूम है, ये कौन से टाइप की मशरूम है जो इसको व्हाइट बटन मशरूम बोलते हैं जी? अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम है अगारिकस बिस्पोरस। अच्छा अच्छा, इसका बीज कहाँ से आपके पास अपने आप तैयार करते हैं या कहीं से लाते हैं? फिलहाल तो हमारे पास लैब नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली में लैब में तैयार होता है इसका, ये एक्चुअली में कोई बीज नहीं, ये फंगस ही होता है। अच्छा। ये फंगस को मल्टीप्लाई करके हम कनेक्ट गेहूं के उस पर दाने के बराबर उस पर करते हैं, ये दिखाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ये लैब में तैयार होता है। ये हम इस टाइम में या तो सोलन से, दिल्ली से या पेवा से, जहाँ से बढ़िया
कल्चर हमें मिल जाता है वहाँ से हम ले आते हैं। अच्छा, अमूमन जो ये एक बैग है जो रखा है ये आपके चैम्बर में, इस बैग में कितना बीज चाहिए होता है? कंपोस्ट के अंगे से हम 0.75 से लेकर 1% तक बीज डालते हैं। अगर उसमें 10 केजी है हाँ, तो उसमें 100 ग्राम बीज पड़ेगा। 100 ग्राम से कम ही, 750 ग्राम, 100 ग्राम के आसपास मान लीजिए, 100 ग्राम के आसपास हाँ। बीज मान लीजिए हमें चाहिए। कितने का मिल जाता है ये 100 ग्राम बीज? अगर ये 1 केजी बीज इस टाइम 75 रुपीज पर केजी है। 75 रुपीज पर केजी है। अच्छा, तो इस एक जो बैग है ये, इसमें कितना भूसा, ये जो मतलब इसका कंटेनर है जो मटेरियल है, कितना मिला के कम से कम 10 या 11 केजी का बैग होना? 10-11 केजी का हाँ बैग जी। तो किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो रियलिटी में मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ पर कितने बड़े स्केल में ये इसका मशरूम का उत्पादन होता है। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर ये जो मैं नंबर दिखा रहा हूँ, ये जानकारी आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग के लिए समय ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर रहने की सुविधा भी मिलेगी आपको। क्या चार्जेज होंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसके अगर थोड़े नॉमिनल चार्जेज भी हुए तो वो भी देने पड़ सकते हैं आपको, और आप यहाँ पर आकर लाइव सब चीज़ें देख सकते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर पूरी के लास्ट तक बनने तक की पूरी जानकारी एक फैक्ट्री में, यानी कि जो उत्पादन करती है 6 क्विंटल से लेकर 15 क्विंटल तक प्रतिदिन का उत्पादन करती है, वहाँ पर ले सकते हैं। बड़े बड़े चैम्बर हैं, देखिए आपके सुविधाएं बड़ी हैं, प्रत्येक किसान नहीं कर सकता, तो आप छोटे रूप में भी कर सकते। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, नमस्कार। अभी आपने विशाल गुप्ता जी को सुना मशरूम फार्मिंग के बारे में। अगर किसी भाई को इसकी जानकारी चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मैं उसको ये बताऊंगा कि कब आपको कृपाल सागर एकेडमी में जाना है और इसकी बारे में जानकारी लेनी है। जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका एक विजन है कि यहाँ पर किसानों के लिए जितने भी कार्य होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो सकता है शीघ्र ही यहाँ उसकी। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।